मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही बड़ा राज हाल ही में खुला और वो राज हम आप सभी के बीच शेयर ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, आप सभी को हम बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आज किस तरह से बॉलीवुड टाउन की बात करें या फिर बात करें टीवी टाउन की, हर जगह मेज़बानी के लिए सबसे ज़्यादा तारीफ बटोरने वाले अमिताभ अपने अंदाज से, आवाज़ हो या फिर अभिनय, हर मामले में है अमिताभ बच्चन सबसे आगे। ऐसे में अब हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में ये ज़रूर बताना चाहेंगे किस तरह से बॉलीवुड टाउन के कलाकारों को शायद ये मालूम ना हो, लेकिन मुश्किलें किसी की कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त मुश्किलें बड़ी हैं और अमिताभ बच्चन फिर भी खुद को शांत रख रहे हैं। ट्रॉलर्स को निशाना बनाते हुए अमिताभ बच्चन जब बनी सिंह ट्रॉलर्स का निशाना डोनेट करने पर 2 करोड़ रुपए कोविड फंड रिलीफ के तौर पर, तो गुस्सा हुए। अमिताभ का गुस्से वाला किस्सा काफ़ी पुराना है दोस्तों। एक बार तो म्यूजिशियन राजेश रोशन ने अमिताभ का गुस्सा फ़ोन पर ही महसूस किया था। अमिताभ का ये काला सच है कि उन्हें आता है गुस्सा, लेकिन वो करते हैं खुद पर बहुत काबू। जी हाँ, अमिताभ बच्चन से कुछ किस्सा जुड़ा हुआ सुनाया म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने। उन्होंने कहा, छू कर मेरे मन को ये गाना जो काफ़ी हिट है, याराना का ये गाना जो साल 1981 में आई फिल्म का हिट गाना है, इसे लेकर अमिताभ काफ़ी नाराज़ हो गए थे। जी हाँ, 66 साल के राजेश ने हाल ही में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, शूटिंग कर रहे थे किसी और फिल्म की, अमिताभ बच्चन नाराज़ वो हुए कि पैक्ड शेड्यूल के बावजूद के बीच ये गाना तैयार हो गया। अमिताभ बच्चन याराना की शूटिंग के बाद रोज़ म्यूजिक रूम में आया करते थे राजेश के पास, तो कलकत्ता में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त वो, और एक सुबह उन्हें फ़ोन किया गया और कहा, जल्दी बन गया है सब कुछ, गाना शूट नहीं कर पाऊँगा। अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर फ़ोन पर गुस्सा महसूस हुआ था अमिताभ बच्चन का शूट को लेकर वो जब नाराज़ हुए, तो राजेश ने बताया कि वैसा ही शूट हुआ और कैंसिल नहीं किया गया जैसा तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ था कि अमिताभ को काफ़ी गुस्सा आया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से जब तक रिपोर्ट।